तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले कि कुछ लड़के जो कि जंगल में जाके एक सांप को परेशान कर रहे और परेशान करने के कारण वो सांप इन लोगों को काट भी लेता है, और उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता है इस वीडियो में हम पूरा आपको बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो का मजा लें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो तो देखते हैं और लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए हमारी वीडियो को सब्सक्राइब भी किया कीजिए और हमें थोड़ा आगे बढ़ाए। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये लड़के वहां पर जाके क्या क्या करते हैं, वो जंगल में एक सांप जा रहा होता है जो कि सांप था इंडियन रेसन, जिसे हम लोकल भाषा में दामन या दामिन के नाम से जानते हैं, जो कि बिना जहरीला सांप है जिसमें कोई भी प्रकार का व्यनम यानी जहर नहीं पाया जाता है। जो कि वो लड़के उस सांप को पकड़ते हैं और उस सांप के साथ खेलते हैं और उस सांप के साथ स्टंटबाजी करते हैं, और उसी के दौरान वो सांप इन्हें काट भी लेता है। और काटने के बाद ये लड़के कहाँ जाते हैं, सीधा हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल के बाद जाने के बाद वो क्या करते हैं, डॉक्टर से छानबीन करते हैं और पूछताछ करते हैं कि हमको सांप ने काट दिया, और वो जो जामिन सांप है उसको कट्टे में डालकर उस सांप को भी हॉस्पिटल लेके साथ में जाते हैं। और दोस्तों, वहाँ पर हॉस्पिटल में वो डॉक्टर भी नहीं पहचान पाता है कि इसको किसने सांप ने काटा है, क्योंकि दोस्तों वो जहाँ पर सांप ने काटा था वहाँ पर उस लड़के ने क्या किया, पहले तो यहाँ से बांध दिया और बाद में उस पत्ती से या उस ब्लेड से लेकर हाथ पे कट लगा दिए, और उसी प्रकार से उस डॉक्टर को पता भी नहीं चल पा रहा था कि ये कौन सा सांप काटा है। और उसके बाद जो वो ट्रीटमेंट चालू किया तो वो एंटी वेनम के लिए हाँ बोल दिया कि हाँ एंटी वेनम लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको पहले कोई भी सांप काटे तो आप छानबीन कीजिए कि हमको किस सांप ने बाइट किया है यानी किसने काटा है, और उसके बाद वहाँ पर आप एंटी वेनम का डोज लीजिए, वरना आपकी हालत और ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों, आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाता हूँ तो इस लड़के को बाइट किया था सांप ने, तो पहले आप ये वीडियो देखिए, हम मिलते हैं वीडियो के। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. तो दोस्तों, देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे ये लड़के उस सांप को छेड़ रहे थे और उस जंगल में से उस सांप को छेड़ने के कारण वो सांप उन्हें काट लिया। तो दोस्तों, आपको पता नहीं तो मैं बता दूं एक बार फिर, हमारी वीडियो कई डाले हुए सांप के बारे में और इंडियन रेडस्नेक के बारे में कि ये सांप बिना जहरीला होता है। तो आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि इंडियन रेडस्नेक, जिसे हमारे नॉर्मल भाषा में दामिन या गोड़ा पचास सांप कहते हैं, और दोस्तों ये सांप बिना जहरीला होता है, इसमें कोई भी प्रकार का वेनम यानी जहर नहीं पाया जाता है। और दोस्तों, अगर सांप हमारे घर में आ जाए तो हमें डरने की बात नहीं है, किसी जन क्रिया या कोई शरफ मित्र किसी को भी आप फोन कीजिए या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी को भी फोन कीजिए, आपके घर से वो सांप पकड़ के लेके जाएंगे। अगर ये काट भी ले तो इससे हमारी क्या मौत नहीं होती, ये सांप हमारे पर्यावरण के मित्र है। और दोस्तों, ये सांप लगभग हमारे एक साल का 22% गेहूँ और अनाज का रखवाली करता है, क्योंकि दोस्तों इस अनाज और गेहूँ को खाने के लिए आते चूहे, और ये सांप चूहे का पक्का दुश्मन है और चूहों को ये सांप खाता है, इसलिए इसका नाम इंडियन रेडस्नेक पड़ा है, जिसे हम गोड़ा पछाड़ सांप कहते हैं और दामन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
और हमें आगे बढ़ाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो किसी नई टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।